हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केसीसी सिविल कंस्ट्रक्शन पर। साथियों, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं जो छत की लेवलिंग है। दिखा सकते हैं आप थोड़ा नीचे, छत की जो लेवलिंग है, स्लैब की लेवलिंग है, आफ्टर शटरिंग कैसे लेवल करते हैं, प्रैक्टिकली मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। ये है लाइन डोरी बोलते हैं इसको, आप सभी देखे होंगे अगर आप सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं तो। इसे बोलते हैं लेवल पाइप, ठीक है, इस लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। कहीं भी हमें लेवल करना हो तो इसी को लेवल लगाएंगे, ठीक है। और ये तीसरा है, ये इंची टेप, ठीक है, इससे हम उठाएंगे लेवल कितना लेना है, ठीक है। तो यहाँ दिखाइएगा आप यहाँ पे, तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये उठा लिया है कॉलम लेवल से, ये हमने उठा लिया है 800, ठीक है। तो ये सारा लेवल हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं 800 चारों तरफ, हर जगह, हर कोने कोने पर। दिखा सकते हैं आप यहाँ पे, हर लेवल पे, हर कोने पे हम 800 लेवल ट्रांसफ़र करेंगे और उसी से हम लेवल करेंगे। तो ये एक चीज़ और दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है जो हमारी बॉटम है, बॉटम से जो साइडें लगी हुई है 15 इंची पे, तो 15 इंची ये इसका लेवल है। और जो छत है हमारा 125 का है, तो हम इसे करेंगे 125 छत का है, ठीक है। तो 800 में हम क्या कर देंगे, 425 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उस छत की लेवल आ जाएगी, बाकी 800 आपकी बॉटम की लेवल आ जाएगी। तो ऐसे हम लेवल करेंगे, बाकी वीडियो में देखिए कैसे कैसे हम करते हैं। तो क्रच मिला, आए तो वाले तो साथियों, मैं आप सभी को दिखा दूं यहाँ पे जो लेवल पाइप से लेवल कैसे लगाते हैं। यहाँ पे हमने जो मार्किंग उठाया था, लेवल उठाया था, इसी लेवल पे हम मिलाते हैं, ठीक है। और दूसरे छोर पे देख सकते हैं, दूसरे छोर पे यहाँ पे हम दूसरे छोर पे जैसे ही यहाँ पे ये मैच करते हैं तो वहाँ पे लेवल जाता है। तो लेवल पे वहाँ पे निशान लगाने के बाद हम लेवल लगा लेते हैं। तो दूसरे छोर पे ऐसे लगाया जाता है, सेम लेवल ट्रांसफ़र ऐसे करते हैं हम लेवल पाइप की मदद से। तो अगर आप सभी भी लेवल पाइप से सीखना चाहते हैं कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देख सकते हैं कैसे हमारे यहाँ पे कारीगर लेवल को लगा रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली, और थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए 5 mm का भी, क्योंकि 5 mm होते होते काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो आपको प्रॉपरली दोनों तरफ आवाज़ लगा के पता करनी होती है कि लेवल सही है कि नहीं, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पे हमने हर एक कोने पे दिखा सकते हैं, हर एक कोने पे हमने क्या किया है, लेवल ट्रांसफ़र कर लिया है लेवल पाइप की मदद से। अब क्या करेंगे, हम लेवल चेक करेंगे इस इंची टेप के माध्यम से। इंची टेप से हम चेक करेंगे इसका लेवल क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 800 हमने लेवल उठाया था बॉटम से, जो बीम का बॉटम है उससे हमने 800 लेवल उठाया था। अब हम चेक करेंगे क्या बीम हमारा 800 लेवल पर है कि नहीं। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं हमारे कैमरा मैन आप सभी को दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाइए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए 800 आ रहा है। थोड़ा आगे करके दिखा दीजिए, देखिए यहाँ पे 800 आ रहा होगा। तो ये बिल्कुल जो हमारा बॉटम है बिल्कुल सही है। अब बात आती है छत की, जो स्लैब है हमारा, छत किस लेवल पे होना चाहिए। तो जैसे कि मैं बताया हूँ, 500 टोटल है इंक्लूडेड, बीम और छत 125, 375 की बीम है और 125 हमारा छत कास्टिंग है, तो टोटल 500 है। उससे हमने एक्स्ट्रा उठा रखा है 300, तो हम क्या करेंगे, जो हमने धागा बांधा है उसमें कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, 425, 300 तो एक्स्ट्रा उठाया है ताकि ऊपर रहे हम लेवल ही आसानी से कर सके। उसके बाद 125 का छत है, तो 425 हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये छत का लेवल है, छत है ये, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 425 है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी 425 आ रहा है, अभी बिना लेवल किए हमने चेक किया है, तो 425। अब कहीं भी कम ज़्यादा होता है, मुझे दिखाइए, कहीं भी कम ज़्यादा होता है तो हम नीचे एक आदमी को रखते हैं, कारीगर को रखते हैं, वो छत की लेवल जो नीचे बल्ली या लगी होती है या आपके जैक लगे होते हैं उसको अप डाउन करते हैं। हम ऊपर से उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहाँ पर डाउन करना है, यहाँ पर अप करना है। तो इसी हिसाब से हम लेवलिंग करते हैं। यहाँ पर चारों तरफ धागा दिखाइएगा, तो आप सभी देख सकते हैं चारों तरफ हमने धागा बांध दिया है, अभी जितने में हुआ है उतने में बांध दिया है। फिलहाल इसको खोलने के बाद उस तरफ भी दिखा सकते हैं,
देखिए सर, इस तरफ भी देख सकते हैं, चारों तरफ हमने धागा बांध दिया है। इसके बाद हम लेवलिंग चेक करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं लेवल क्या है, कहाँ अप डाउन है, कहाँ नहीं है, ठीक है? हाँ, आगे नीचे, ये थोड़ा डाउन होगा, ये वाला हाँ थोड़ा डाउन होगा, ये डाउन होगा, थोड़ा डाउन होगा, इसे डाउन कर दो, हाँ कोना। तो देख सकते हैं साथी, यहाँ पे ये 800 थोड़ा कम आ रहा है, तो इसे डाउन करेंगे। जैसे ही ये 800 आएगा तो ये थोड़ा ऊंचा है, इसको हम डाउन करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हम लेवलिंग चेक करते हैं हर जगह। डाउन कर दो, डाउन, पकड़ो, बल्ली पकड़ना है मैं। तो साथियों, इसको हमने डाउन कर दिया है और ये बॉटम चेक करेंगे कितना है कितना नहीं, ठीक है? साथियों, आप सभी देख सकते हैं जो हम लेवलिंग करते हैं इस तरीके से, लाइन डोरी से हम नापते हैं फीते को, और जो हमारा लेवल हमने उठाया था वो 800 था, तो यहाँ से 810 हो रहा है, तो 10 में हम इसको उठवाएंगे ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बंदे लगे हुए हैं उठाने में। हाँ उठा दो, थोड़ा उठा दो, और तो थोड़ा सा और उठने वाला है ये, तो जैसे ही उठेगा ये लेवल में आ जाएगा। ऐसे ही हम हर जगह यहाँ पर नाप नाप के चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे लेवल में है कि नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 20 mm उठेगा बीच में, तो यहाँ देखिए ये बॉटम है, बॉटम पे हम लेवल चेक कर रहे हैं, तो 20 mm यहाँ भी हम चेक कर लेंगे किस हिसाब से हो रहा है। बीच में 20 mm उठा देना, ठीक है? बीच वाला डाउन है और कोना वाला भी 20 mm है। उठा दिया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये कोना आ गया, बीच में उठा दो। बीच में हम ऐसे उठवा लेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है बीच में, देख सकते हैं आप से भी बीच में उठा दो, 20 mm डाउन है बीच में। साथियों, आपके यहाँ कैसे लेवलिंग होती है, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम तो यहाँ पे साइड पे नॉर्मली धागा लाइन डोरी से करते हैं यहाँ पे लेवलिंग, और लेवल पाइप जो कि लेवल ट्रांसफ़र करने का काम आता है, तो हम इसी हिसाब से करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये लेवलिंग कर रहे हैं।